हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आश्रम एक्सप्रेस में यात्री से 21 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। जीआरपी ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजकीय रेलवे पुलिस ने आज के दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में यात्री के बैग से विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब की 21 बोतलें बरामद की, साथ ही यात्री को गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी के अतिरिक्त महानिदेशक संजय अग्रवाल, आईजी संदीप सिंह चौहान, एएसपी भंवर सिंह नाथावत के आदेश अनुसार एएसपी श्रीमती योगिता मीणा के निर्देशन में व डीएसपी ताराराम बैरावा के सुपरविजन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम व लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही को चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जीआरपी एसएचओ दिलीप सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की गई। स्पेशल टीम में कांस्टेबल हरि मोहन, राजेंद्र सिंह, विरधाराम को शामिल किया गया। टीम ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर गश्त व बदमाशों की चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस पर पहुंचे, जहां ट्रेन के कोच S8 में एक साधारण बैग में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 21 बोतल पाई गई। यात्री पश्चिमी दिल्ली के जे कॉलोनी रघुवीर नगर टैगोर गार्डन के F354 हॉल गुजरात के मेसाणा के लीच थाना लगनाज निवासी कैलाश पुत्र किशोर वागरी देवी पूजक को थाना लाया गया। थानाधिकारी द्वारा यात्री कैलाश के कब्जे में मिले बैग से 21 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जीआरपी ने आबकारी के अधिनियम में दर्ज किया गया। आरोपी को कल जोधपुर रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।